यूपी में योगी सरकार किसी भी तरह के अपराधी पर नरमी नहीं बरत रही है। खासकर महिलाओं पर होने वाले अपराधों पर सीएम योगी ने अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए हैं। वहीं मिशन शक्ति और एंटी रोमियो अभियान के तहत छेड़छाड़ करने वाले मंचलों पर सख्त रवैया अपनाया जा रहा है। ऐसा ही मामला बांदा से सामने आया है, जहां पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोपी युवक की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया और साफ संदेश दिया कि अगर कोई भी बहन बेटियों से छेड़छाड़ करेगा तो उस पर कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। दरअसल बांदा जिले के थाना नरैनी क्षेत्र के नरैनी कलिंजर मार्ग पर स्थित एक पेट्रोल पंप का सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ था, जिसमें मंचले के द्वारा पिता के साथ बाइक पर बैठी लड़की के साथ छेड़छाड़ की गई थी। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया था। वहीं प्रशासन ने आरोपी के घर पर बुलडोजर चलवा दिया है। आरोपी का नाम राजन उर्फ संदीप दीक्षित है, जो गुढ़ाकला थाना कालिंजर का रहने वाला है। उधर मामले की ज्यादा जानकारी देते हुए एसपी अभिनंदन ने बताया कि प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक मिशन शक्ति के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां 27 जनवरी को एक पेट्रोल पंप पर युवक ने लड़की से छेड़खानी की थी। वीडियो संज्ञान में लेते हुए आरोपी को जेल भेज दिया गया है। साथ ही व्यक्ति की अवैध संपत्ति को चिन्हित करके उसे ध्वस्त किया गया है। आरोपी पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई करते हुए जिला बदर किया जाएगा। ये शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक मिशन शक्ति, इसके तहत बांदा पुलिस ने आज एक बड़ी कार्रवाई की है। दिनांक 27 जनवरी को एक युवक, जब वो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरा रहा था, तो उसकी लड़की के साथ एक व्यक्ति जिसका नाम संदीप दीक्षित है, उसने छेड़खानी की थी। तत्काल उस वीडियो का संज्ञान लिया गया और एंटी रोमियो स्क्वाड द्वारा मुकदमा लिखवा के उस अभियुक्त को जेल भेज दिया गया। आज इसी क्रम में उस व्यक्ति की अवैध संपत्ति को चिन्हित करके उस अवैध निर्माण को आज ध्वस्त कर दिया गया है। आगे भी इस प्रकरण में गुंडा एक्ट के तहत अभियुक्त को जिला बदर कराया जाएगा। ऐसा करने से समाज में महिलाओं में एक सुरक्षा का भाव प्रबल होगा तथा ऐसे व्यक्ति जो महिला संबंधी अपराध कारित करते हैं, शोधे हैं, मंचले हैं, उनमें कानून का भय व्याप्त होगा। इस मसले पर हमारे संवाददाता रामजी ने जमीनी हकीकत जानी, वो भी आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मनसानुरूप बांदा पुलिस ने भी एक अच्छा काम किया है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले नरैनी क्षेत्र में एक छेड़छाड़ के आरोपी के घर पुलिस ने बुलडोजर चलाकर उसके घर को ध्वस्त कर दिया गया है। आरोप है कि एक लड़की अपने पिता की गाड़ी में बैठ करके कहीं जा रही थी, तभी पेट्रोल भराते समय उस आरोपी ने लड़की के साथ अभद्रता की थी और उसका संज्ञान लेते हुए सीसीटीवी से वीडियो निकाल करके उसका संज्ञान लेते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और उसके घर में बुलडोजर चला दिया है। बांदा से इंडिया पब्लिक खबर के लिए राम जी। फिलहाल पुलिस ने महिलाओं और छात्राओं से छेड़खानी करने वालों को कड़ा संदेश दिया है कि महिला सुरक्षा प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। जो भी इस तरह की हरकत करने का दुस्साहस करेगा, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो दूसरों के लिए नजीर बने और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। खैर, मंचले पर हुई इस कार्रवाई के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। इंडिया पब्लिक खबर के लिए बांदा से संवाददाता रामजी की रिपोर्ट। इसी के साथ इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।